दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक नैन्सी मुंबलैंड के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि इस टाइप की वीडियो आप भी बनाते हैं तो आपको टिकटॉक वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आ सकता है। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस टाइप के वीडियो शूट कर लेना है। लेकिन चलते हैं मॉल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सैलेन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सैलेन यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और इस बैकग्राउंड को 10 सेकेंड के आसपास कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गर्ल वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। इसे इस तरह से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया है, तो आपको भी इस तरह से शूट कर लेना है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसे हमें फुल साइज कर देना है। इसके बाद वीडियो में कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। यदि वीडियो में राइट साइड का पार्ट कुछ एक्स्ट्रा है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। तो इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। वीडियो आपको शूट करना है 8 से 10 सेकेंड के आसपास। इसके बाद ओरिजिनल वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, क्रोमा की पे आना है और क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। रेड कलर इसलिए सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि कुर्सी पे जो हमारा कपड़े रखा हुआ है वो रेड कलर का रखा हुआ है। यदि ग्रीन कलर का होगा तो ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है, व्हाइट कलर का होगा तो व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है, तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं लड़की का वीडियो जो है वहाँ सही तरह से सेट नहीं हुआ है, तो लड़की के वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। इसे हमें इस तरह से इसे छोटा कर देना है और अपने बिल्कुल कपड़े के हिसाब से एडजस्ट आपको कर देना है। और इस यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको साउंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में साउंड ऐड, लेकिन कोई अदर साउंड ऐड करना चाह रहे हैं तो ऑडियो पे क्लिक करना है। यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से साउंड ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और हमारा यहाँ पर वीडियो तैयार हो चुका है। इस वीडियो को आपको टिकटॉक के साउंड पर ही अपलोड कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक साउंड का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।